हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है टर्गर प्रेशर, आल्सो कॉल्ड एज अ वॉल प्रेशर। तो आइए चलिए डिटेल में जानते हैं कि क्या होता है टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, व्हाट डज इट मीन बाय एक्चुअली टर्गर प्रेशर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज अ वॉल प्रेशर। नाउ वी कैन सी दैट दिस वन इज अ प्लांट। यस, नाउ बेसिकली हमारे सामने अगर ये प्लांट है तो ये प्लांट का वुड है। यस, दिस इज अ प्लांट एंड दिस इज द स्टेम पोर्शन ऑफ द प्लांट। जस्ट इमेजिन दिस स्टेम पोर्शन इज टेकन फ्रॉम दिस एरिया। दिस इज द एरिया व्हिच आई हैव कलेक्टेड एंड आई हैव ज़ूम इट। यस, ये पूरा प्लांट है और प्लांट में से ये कुछ एरिया को मैंने कलेक्ट करके सिलेक्ट करके इसको इतना जूम किया हुआ है। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज अ प्लांट वुड मटेरियल मींस टेकन फ्रॉम द स्टेम एंड दीज आर द स्मॉल स्मॉल सेल्स प्रेजेंट इन द plant body or cells present in the wood body. So now what is meant by turgor pressure? Basically in this area all the cells are very tightly well connected to each other. Now if some water material enter into cell, yes, if some solvent enter in wood, then it develop what? Turgor pressure. So turgor pressure ka matlab kya hota hai wo dekhte hain। ये देखिए, ड्यू टू आइदर इम्बिबिशन और ड्यू टू आइदर डिफ्यूजन और ड्यू टू आइदर ऑस्मोसिस वॉटर एंटर इन साइड द प्लांट बॉडी। नाउ ऑल द सेल्स इन द प्लांट बॉडी आर वेल कनेक्टेड टू इच अदर। देर इज नो स्पेस बिटवीन द सेल्स, बट सपोज इफ द वॉटर स्टिल एंटर्स सो इट डेवलप्स अ प्रेशर। दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। आप ये समझ लीजिए कि एक लाइन में 10 लोग खड़े हैं और 10 लोगों की ही जगह है, दूसरा कोई एंटर ही नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर कोई अगर एक एंटर करने की कोशिश करे तो वो सेंटर में घुस जाएगा और सेंटर में घुस जाएगा तो उसके आसपास वालों के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। तो वो प्रेशर को हम क्या कह सकते हैं? उस प्रेशर को हम कह सकते हैं टर्गर प्रेशर प्लांट की लैंग्वेज में। ठीक है, प्लांट की लैंग्वेज में हम उसे कहेंगे टर्गर प्रेशर। नाउ ऑल द सेल्स आर वेल कनेक्टेड टू ईच अदर। आई शो यू वन मोर एग्जांपल। नाउ जस्ट इमेजिन दिस इज अ वन कैपिलरी और वन पाइप। Now in this pipe, one cell is here, second cell is here, third cell is here, fourth cell is here, fifth cell is here, and sixth cell is even not adjusted properly. Five cell has adjusted properly, sixth cell has managed slightly. Now you just imagine, can we add any molecule into that? No. But suppose if we try to put one molecule here, yes, then what happen? This molecule will come here and it will develop the pressure to the surrounding cell. This pressure is called turgor pressure. मतलब plant के wood के अंदर cells है ना, सब compactly arranged है। इनके अंदर और कुछ कोई भी जगह की entry नहीं। लेकिन अगर फिर भी अगर water अंदर आता है, जैसे imbibition होता है। Imbibition में क्या होता है? Imbibition is nothing but the absorption of water by hydrophilic substance like cellulose, lignin and pectin. And मतलब rainy season में बारिश में वुड क्या करता है, पानी को अंदर अपनी तरफ खींच लेता है और पानी जब अंदर आता है सेल्स के अंदर जगह ही नहीं होती। सेल्स के अंदर पानी को अंदर लेने की जगह ही नहीं होती और जगह न होने के कारण क्या होता है, पानी तो अंदर आ जाता है, फिर क्या होता है उसके आपस के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रेशर डेवलप होता है और उस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर को वॉल प्रेशर क्यों कहते हैं आप गेस कर सकते हो। ये देखिए, इन 6 सेल्स के अंदर जगह नहीं थी, फिर भी ये 7वां सेल अंदर आ गया। अब ये अगर सेल्स अंदर आ गया तो प्रेशर किसके ऊपर चला गया? इन दोनों के ऊपर। और इनका प्रेशर किसके ऊपर जाएगा? इनके ऊपर। और फाइनल इनका प्रेशर किसके ऊपर जाएगा? इन लास्ट वालों के ऊपर, जो कि कहां पे है? जो कि है वॉल पे। तो फाइनली प्रेशर किसके ऊपर जनरेट होता है? प्रेशर है ना वॉल के ऊपर जनरेट होता है, इसके लिए उसे वॉल प्रेशर भी कहते हैं। ये देखिए, पानी अगर यहां पे अंदर आता है तो इसके इस वाले एरिया में प्रेशर जनरेट होगा और इसका प्रेशर इस वाले एरिया में जनरेट होगा, इसका प्रेशर इस वाले एरिया में, और फाइनली कहां पे जनरेट होगा? प्रेशर वहां पे जनरेट होगा जहां से हम आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब कहां पे? वॉल पे। अब यही देख लो ना, हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट टेक्निक ऐसी है कि जैसे लोकल ट्रेन है तो लोकल ट्रेन में नॉर्मली 3 लोगों के बैठने की जगह, लेकिन आप कभी कभी देखो कि वहां पे 6 से 7 लोग भी बैठे हैं। 3 लोग बैठे हैं आराम से, कोई एक आता है खड़ा होता है, यार थोड़ी जगह दे देना, वो चौथा एडजस्ट हो जाए, चलो वो भी एडजस्ट हो गया, पांचवा भी एडजस्ट हो गया। अब 5 के बाद कोई और नहीं बैठ सकता, लेकिन कोई छठा आता है, थोड़ा जगह दे दो यार, थोड़ी कॉर्नर जगह दे दो, मैं यहीं पे उतर जाऊं, वो भी एडजस्ट हो जाता है।
फिर एक और सातवां आता है यार, बच्चा है बैठा लो, फिर बच्चा सेंटर में आके बैठता है, बच्चा सेंटर में आके बैठता है तो उसके आसपास वाले दो होते हैं वो थोड़े और सरकते हैं, उसके आसपास वाले और थोड़े सरकते हैं, और फाइनली वो दो लोग होते हैं जो आगे नहीं सरक सकते हैं, जो दोनों वॉल के ऊपर हैं। तो इसके लिए फाइनली प्रेशर कहाँ जनरेट होता है, उन दोनों के ऊपर भी जनरेट होता है ना, इसके लिए टर्गर प्रेशर को हम वॉल प्रेशर भी कहते हैं। तो आई बात समझ में, तो टर्गर प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉल प्रेशर। व्हेन वाटर एंटर्स, व्हेन सॉल्वेंट एंटर इनटू द प्लांट बॉडी वेयर देयर इज नो स्पेस इज अवेलेबल, देन प्लांट बॉडी जनरेट्स प्रेशर, सच प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर, एंड दिस प्रेशर फाइनली रीचेस टू द cells which are located at the boundary, which are located at the wall, and that is why turgor pressure is also called as a wall pressure. Have a good day.